तो मित्रों ये मेरा तीसरा टेक है और मैंने पूरी वीडियो बना के दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं पंखा बंद करना भूल गया था। म्यूजिक दोस्तों, मेरा नाम है अनुज शर्मा, आज आप देख रहे हैं टकू देखो। सो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज देने वाला हूं, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी। तो मित्रों, जो पहली न्यूज आ रही है वो आ रही है नोकिया के एक टीवी बॉक्स से। अगर दोस्तों अपने आप तो दोस्तों अगर आपको अपने आप को टीवी बनाना हो तो आप इस डिवाइस से बना सकते हैं। दोस्तों जो पहली न्यूज आ रही है ना, वो आ रही है नोकिया के एक टीवी बॉक्स से रिलेटेड। गाइस, उन्होंने आज ही एक अपना टीवी बॉक्स लॉन्च करा है जो कि है नोकिया मीडिया स्ट्रीमर के नाम से। आपको ये फ्लिपकार्ट पे 3,500 रुपए का मिल जाएगा। अगर आपको अपना टीवी एंड्रॉइड बनाना है, अगर आपका टीवी एंड्रॉइड नहीं है या फिर स्मार्ट नहीं है, तो भाइयों HDMI केबल लगा के और ये टीवी बॉक्स लेके आप अपना टीवी एंड्रॉइड बना सकते हैं। वैसे तो और बहुत सारी डिवाइस है, MI वगैरह की भी डिवाइस है। अब मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। इसके अंदर आपको 1 GB की रैम और 8 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। और तो और इसके अंदर आपको नेटफ्लिक्स वगैरह और अमेजोन प्राइम वगैरह प्री इंस्टॉल मिल जाएंगे। कोई भी टेंशन वाली आने की बात नहीं है। इसका टीवी रिमोट भी कुछ ऐसा मिल जाता है, बहुत ही सिंपल रिमोट है। उसके अंदर काफी सारे बटन मिल जाएंगे। अगर आपको लेना है तो भाई ले लो, नहीं लेना तो मत लो। अबे साले। तो भाइयों जो अगली न्यूज आ रही है ना, वो आ रही है रेडमी की तरफ से। भाइयों इन्होंने ट्रेन के डिब्बे की तरह रेल पे रेल लगा रखी है रेडमी 9 सीरीज की। तो ठीक है, अभी इन्होंने बहुत दिन पहले तो लॉन्च करा था रेडमी नोट 9 प्रो और रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स। उसके बाद इन्होंने अभी 4 अगस्त को ही लॉन्च करा था रेडमी नोट 9 प्राइम। अब ये लॉन्च करने वाले हैं रेडमी 9। उसके बाद ये लॉन्च करेंगे रेडमी 9C, रेडमी 9CA, पता नहीं कितने फोन लॉन्च करेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। हाँ तो मित्रों, इन्होंने अपना एक पोस्टर रिलीज कर दिया है। 27 अगस्त को इनके फोन की लॉन्चिंग है रेडमी 9 की। तो दोस्तों अब मैं इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ कैसी है। तो भाइयों इसके अंदर आपको 6.53 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है फुल HD, और साथ ही साथ आपको MediaTek का हीलियो P35 वाला प्रोसेसर मिल जाता है, और जो कि अभी Realme के C12 और C15 के साथ आया था। और तो और इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, और इसके अंदर 13+2+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। 2 मेगापिक्सल के तो कैमरे बेकार है, एक ही कैमरा काम आने वाला है वह 13 मेगापिक्सल का, और जो फ्रंट के अंदर है ना वो मिलता है 5 मेगापिक्सल का कैमरा। इससे अच्छा मुझे रियलमी के फोन लगे जो कि 6000 mAh बैटरी के साथ आते हैं, और वो भी 8,500-9,000 की रेंज में आते हैं, और ये भी इसी रेंज में लॉन्च होने वाला है। और देखते हैं जब ये लॉन्च होगा, जब आपको बता देंगे इसकी प्राइसिंग क्या होती है, अभी तो इतनी ही डिटेल लीक हुई है। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको बहुत पतला सा फोन लेना है ना, तो ओप्पो आपकी भी ख्वाहिश पूरी करने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। उन्होंने आज एक अपना ट्वीट मारा है, और उसी के साथ इन्होंने एक जिप वीडियो भी लॉन्च करी है, और उसके अंदर उन्होंने दिखाया है कि वो कितना फोन स्लिम है। इनका F17 Pro लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर, और दोस्तों जो इसकी थिकनेस मिलती है ना वो मिलती है 7.48 mm की, ठीक है। और साथ ही साथ इसका जो वेट है ना वो है 164 ग्राम, जो नॉर्मल अब मोबाइल आ रहे हैं ना 5000 mAh बैटरी के साथ वो आ रहे हैं भाइयों 200 से ऊपर ही ग्राम के आ रहे हैं। 200 ग्राम तो कम से कम फोन के अंदर मिल ही जाता है आज के टाइम पे। भाइयों अगर तुमने फोन को अपनी जेब में गिर लिया तो पता भी नहीं रहने का कि तुम्हारी जेब में फोन पड़ा भी है, और अगर चोरी भी हो जाएगा तो भी पता नहीं लगेगा। तो दोस्तों जब ये रिलीज होगा बता देंगे। अगली न्यूज देखते हैं। तो गाइस अगली जो न्यूज आ रही है वो आ रही है लिनोवो के लैपटॉप की तरफ से। दोस्तों अगर आपको कोई भी योगा करने में दिक्कत आ रही हो ना, कपाल भाती अनुलोम विलोम वगैरह कुछ भी दिक्कत आ रही हो ना, तो लिनोवो का लैपटॉप ले लो, वो सिखा देगा आपको कुछ भी। हाँ तो भाइयों ये तो मजाक की बात है, बट इन्होंने अपने लिनोवो के लैपटॉप लॉन्च करे हैं 5 इंडिया के अंदर। और दोस्तों अगर आपको ये बिल्कुल फोल्ड करने हैं ना अपने लैपटॉप पीछे को, और आपको मतलब कि बहुत कॉम्पैक्ट सा लैपटॉप चाहिए, हैंडी सा लैपटॉप चाहिए, और आपको मतलब चलाने में ज्यादा दिक्कत ना आए, आपको फोल्ड करके ऐसे चला ले, तो आप इस लैपटॉप को ले सकते हैं। ये इंडिया के अंदर इन्होंने 5 लैपटॉप लॉन्च करे हैं, कुछ AMD प्रोसेसर के साथ है, कुछ इंटेल के i7 i5 वगैरह के प्रोसेसर के साथ है, तो आप इन लैपटॉप्स को देख सकते हैं। अब मैं इसका एक नाम बता देता हूँ कि एक कौन सा है। तो दोस्तों जो इसका नाम है ना वो है लिनोवो योगा स्लिम
7i, ठीक है। इसी से रिलेटेड काफी सारे इनके लैपटॉप आए हैं, एक है 7i प्रो, स्लिम 7i प्रो, तो जौन सा भी लैपटॉप आपको लेना है लिनोवो का ले लियो भाई। अगली न्यूज देखते हैं। हाँ तो भाई, जब से ये कोरोना इंडिया के अंदर आया ना, तब से बेरोजगारी का लेवल हाई हो चुका है इंडिया के अंदर। इतनों की जॉब चली गई है प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर कि पूछो ही मत भाई, चल झूठा। और तो दोस्तों, कंपनी के पास खुद भी काम नहीं है और जॉब ढूंढने में बहुत दिक्कतें आ रही है लोगों को। बट अब लेके आया है हमारा गूगल भाई साहब एक अपनी एप्लीकेशन जिसका नाम है कोरमो, ठीक है। आप प्ले स्टोर पे जाके देख सकते हैं, लिंक्डइन की तरह की एप्लीकेशन है। इसी के अंदर आप अपना सीवी बना सकते हैं, इसी के अंदर आप अपने इंटरव्यू के लिए अप्लाई मार सकते हैं। बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है उसके अंदर जो कि वेरीफाइड कंपनियां हैं। अगर आप कोई भी जॉब वगैरह ढूंढ रहे हो तो भाई इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। ये काफी सिंपल यूआई है इसका और बहुत ही मजा आ जाएगा। और भाई अगर तुम्हें कोरोना के टाइम पर नौकरी मिलती है तो तुम्हारे मजे आ जाएंगे, ले लो भाई। आर यू कॉमेडी मी? हाँ तो भैया, जो अगली न्यूज आ रही है ना, वो आ रही है एसएस से रिलेटेड। एसएस अपना फोन निकालने वाला है, उसका जो टीजर है ना वो लॉन्च हो चुका है, एक पोस्टर रिलीज हुआ है जो कि चाइना के अंदर ये फोन लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, इसका जो नाम है वो है एसएस जेनफोन 7। गाइस, पिछले साल एसएस का एक फोन लॉन्च हुआ था जो कि था एसएस जेनफोन 6Z, और अब ये भी कुछ सेम टू सेम उसी जैसा होने वाला है थोड़ा थोड़ा कैमरे के अंदर। गाइस, उसके अंदर आपको एक फ्लिप सिस्टम मिलता था कैमरे के अंदर, आप अपने बैक का कैमरा ही फ्लिप करके आगे ले सकते थे और जितनी भी डिग्री पे आपको उसको घुमाना है ना उतनी ही डिग्री पे ऊपर आप घुमा सकते थे। और वही कैमरा आपको इसके अंदर भी मिल सकता है, मिल क्या सकता है, वही कैमरा मिलेगा। इन्होंने ऑफिशियली बता दिया है कि उसी टाइप का आपको कैमरा मिलेगा। और इसका जो कैमरा है ना वो है 64+12 मेगापिक्सल का। 64 मेगापिक्सल को तो आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है, पीछे भी बैक सामने भी दोनों आपका एक ही हो गया काम। और जो दूसरा कैमरा मिलता है ना वो मिलता है 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा। तो गाइस, ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगी क्योंकि ये दूसरे मोबाइल कंपनी की तरह पीछे नहीं भाग रहे कि 5 कैमरे 4 कैमरे वो कैमरे 200 कैमरे सब कैमरे एक ही फोन में डाल दे। ये इन्होंने 2 मेन कैमरे दे दिए और वही बहुत है, ज्यादा कैमरों की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो दोस्तों, अब इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाएगी, वो भी 60 हर्ट्ज के साथ, और साथ ही साथ आपको एलसीडी पैनल मिलेगा। ये मुझे बहुत बेकार बात लगी जो कि लीक हुई है, अभी तो कंफर्म नहीं हुई है कि इसके अंदर एलसीडी स्क्रीन मिलेगी। एमोलेड तो दे दो भाई। नहीं। उसका प्रोसेसर होने वाला है ना वो होने वाला है स्नैपड्रैगन का 865 प्लस का प्रोसेसर, जो कि रोग सीरीज में आया था ओएसएस वाले की। गेमिंग प्रोसेसर है, मस्त प्रोसेसर है, इससे अच्छा प्रोसेसर अभी तक स्नैपड्रैगन ने निकाला ही नहीं। और भाइयों, जो इसकी लीक निकल के आ रही है ना, उसके अंदर लीक निकल के आ रही है कि इसके अंदर आपको 16GB की रैम मिल सकती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? मतलब लैपटॉप के अंदर भी नहीं मिलती 16GB रैम, जो ठीक ठाक से लैपटॉप होते हैं ये 16GB रैम दे रहे हैं। और साथ ही साथ आपको वाईफाई 6 मिलता है, ब्लूटूथ 5.0 मिल जाती है, एनएफसी का सपोर्ट भी है इसके अंदर, और इसके अंदर 30 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा, ठीक है। काफी बढ़िया स्पेसिफिकेशन लगी मुझे, बस स्क्रीन डिस्प्ले में मुझे मजा नहीं आया। अगर ये 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले दे देते तो भाई मौजा ही मौजा। और देखते हैं ये कब फोन लॉन्च होगा। जब भी ये फोन लॉन्च होगा हम आपको बता देंगे। ये मुझे लगता है कि 35 से 40 हजार रुपए की रेंज में आएगा। अगर ये महंगा आता है तो इनका फोन इतने ज्यादा बिकेंगे नहीं, क्योंकि वन प्लस वगैरह और सैमसंग वगैरह ये प्रीमियम सेक्टर में अपनी जगह बना चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ट्रूकॉलर यूज करते हैं और आप भी स्पैम वगैरह का पता लगा लेते हैं ट्रूकॉलर से, तो ट्रूकॉलर वालों ने अब उसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर दिया है। उसके अंदर आपको स्पैम एक्टिविटी इंडिकेटर मिलेगा, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये दिन में किससे किस टाइम तक ये कॉल करते हैं लोगों को, और तो ये पता लगा सकते हैं कि इन्होंने 90 दिन के अंदर अंदर किसने लोगों को कॉल कर लिया है, और भी काफी सारी चीजें मिल जाएगी। आप अपना प्ले स्टोर के अंदर जाके अपडेट कर लो। और मुझे काफी अच्छा फीचर लगा क्योंकि कंपनियां इतनी फ्रॉड करती है ना, और ये स्पैम वाले इतने फोन करते हैं भाई, तबाह कर रखा है इन्होंने। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो।
दोस्तों अब आ रही है लास्ट न्यूज, वो भी आ रही है गूगल की तरफ से। तो भाइयों अगर तुम गूगल असिस्टेंट का यूज करते हो ना, ओके गूगल कर करके, तो आप ही के लिए ये न्यूज है भाइयों। अब क्या कर सकते हो कि अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग भेजना चाहते हो और अगर आप कुछ काम कर रहे हो ना और किसी का मैसेज आ जाता है और आपको उसको वॉइस रिकॉर्डिंग भेजनी है, आपको टैप करके होल्ड रखना पड़ता है व्हाट्सएप के अंदर। बट अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, गूगल असिस्टेंट के अंदर ये फीचर आ चुका है कि अगर आप उनको बोलो कि रिकॉर्ड माई वॉइस और आप उसको सेंड करना चाहते हो जिस भी नंबर पर, जैसे व्हाट्सएप के अंदर, तो आप डायरेक्टली उसको सेंड कर सकते हो गूगल असिस्टेंट के द्वारा। तो भाइयों आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो भाई दबा के, और भाइयों 1,00,000 सब्सक्राइबर चाहिए जल्दी से जल्दी, पहले जाके इसको सब्सक्राइब मारो और शेयर मारो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहां भी आप रहते हो तो वहीं ग्रुप पे शेयर मार दो, अपने इंस्टाग्राम पे शेयर मार दो। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मैं कमरे च कमरे च कमरे च कमरे च कैद बैठा खुशिया, मैं कमरे च कैद 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 बैठा खुशिया, मैं कमरे च कैद बैठा 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 खुशिया, मैं कमरे च कैद बैठा खुशिया 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 खुशिया।